हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी थर्ड प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है आपके पास 16x² माइनस 25 वाई स्क्वायर। 16x² माइनस 25 वाई स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो हाँ लिख सकते हैं। 16x² को मैं लिख सकती हूँ 4x होल स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर को लिख सकती हूँ 5y होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो और लिख सकते हो 4x प्लस 5y इन वन ब्रैकेट एंड 4x माइनस 5y इन अनदर ब्रैकेट। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ वी विल कंसीडर नेक्स्ट एग्जांपल। 27x² माइनस 12y² अभी क्या 27 किसी इंटीजर का स्क्वायर है और माइनस 12 नहीं, मतलब हम इनको स्क्वायर के फॉर्म में इजीली नहीं लिख सकते। तो हम पहले क्या करेंगे, 27 और 12 इनमें से कोई कॉमन निकल सकता है क्या? तो 27 और 12 ये दोनों नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं, तो अगर मैंने इसमें से 3 कॉमन निकाला तो मुझे मिलेगा 27, मतलब 3 9s are 27। अगर मैंने 3 कॉमन निकाला तो मुझे मिलता है 9, इट विल बिकम 9x² माइनस वी नो दैट 3 4s are 12, सो यहाँ पे रहेगा 4y². अभी देखिए 9 और 4 दो नंबर्स मिले हैं हमें जो कि स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। 9 है 3 का स्क्वायर, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 3x होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप इसको लिख सकते हो 3 इन वन ब्रैकेट 3x प्लस 2y इन अनदर ब्रैकेट 3x माइनस 2y। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। नाउ आई एम गिविंग यू सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व योर सेल्फ। 5 144 a² माइनस 289 b². प्रॉब्लम नंबर 6 125 x² माइनस 45 y². प्रॉब्लम नंबर 7 x^2 माइनस 1। प्रॉब्लम नंबर 8 3a^5 माइनस 48a³। ये सारे प्रॉब्लम में आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा ट्राई कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए।